मेरे को यहाँ पे आए हुए करीबन 7-8 महीने हो गए, मैं अभी तक ढूंढ रहा हूँ कि कोई मुझे एक अच्छा फ्लैट मिल जाए। क्या अगर मिलता है तो बजट में नहीं होता, बजट में होता है तो वहाँ बोलते हैं भैंस चलाओ नहीं, कैब नहीं मिलती, 4 जन कैब लगाते हैं उसमें से एक की कैब होती है, आधी बार ऑटो नहीं मिलती। फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि आप बैचलर्स हो या फैमिली हो, बैचलर्स तो रिजेक्ट नहीं मिलेगा घर। एक्चुअली आई थिंक इट इज़ मोर डिफिकल्ट फॉर बैचलर मैन टू फाइंड अ हाउस रादर देन बैचलर वुमेन टू फाइंड अ हाउस। यहाँ पे लिंक्डइन प्रोफाइल मांगते हैं यूजुअली मकान मालिक, और विच इज़ वेरी फनी। अगर आपने लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं बनाया हुआ तो नाउ दे डोंट इवन चेक योर सोशल मीडिया अकाउंट और अदर थिंग्स। नौकरी शायद आपको वैसे मिल जाएगी, बट आपको घर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें टेक पार्क के बाहर एक शख्स मिले, हमने सोचा इन्हें ही पकड़ कर इनसे बात की जाए, क्योंकि ये बैंगलोर से नहीं है तो हमें समझ में आएगा कि वो क्या प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। जो बातें हम ट्विटर पर सुनते रहते हैं कि यहाँ घर ढूंढना ज़्यादा मुश्किल है, मकान मालिकों का इंटरव्यू क्लियर करना इज़ मोर डिफ़िकल्ट दैन जॉब का, तो क्या ऐसा है? या लाइक यहाँ पे जब मैं आया था पर्सनली, मेरा ऑफिस RMZ इक्वल्ड पे था, तो बेलंदूर में मैंने पहले सर्च किया तो जो प्राइसेस थे वो तो बहुत ही हाई थे, और जो ऑलरेडी एग्जांपल बताएंगे कि कितना 3 BHK को 40,000-50,000, तो दैट वाज लाइक वे अबव माई सैलरी। तो उसी के हिसाब से फिर हम दूर चले गए। तो अभी जो मेरे को घर मिला उसको भी अराउंड 5 डेज मेरे को लगा, तो ईच घर में जाके मेरे को मतलब पूछना पड़ा कि डू यू हैव एनीथिंग अवेलेबल, तो उसके बाद जाके 5 डेज के बाद मेरे को रूम मिला है। तो ऐसे मतलब पूछने के बाद क्या वो ऐसे इंटरव्यू लेते हैं, आपकी जॉब कहाँ है, आपका लिंक्डइन प्रोफाइल मांगते हैं, आपसे बैठ के ऐसे बात करते हैं कि कहाँ जॉब करते हो, कहाँ से पढ़ाई की है, काइंड ऑफ दैट? हाँ, वो बहुत सारे मतलब मैंने जितने से बात किया ना तो वो पूछते हैं, वो बहुत मैटर करते हैं कि आपका एडुकेशन कहाँ से हुआ है, वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मतलब कहाँ से होना चाहिए कि ईजिली? मेरा एक दोस्त था वो IIT KGP से, तो उसको मिल गया, मतलब हम दोनों का घर अभी पास पास में ही है, लेकिन जो उनके ओनर थे ही वॉज़ वेरी स्पेसिफिक कि जो बंदा होगा या फिर जो भी बंदी होगी वो बहुत ही मतलब मतलब एजुकेशन उसका बहुत ही अच्छा होना चाहिए और काम भी बहुत अच्छा करना चाहिए, तो उसी के हिसाब से उसको मिल गया बहुत ईजीली, और फिर हमें भी मिला, लेकिन हमें थोड़ा उसके साइड में मिला। तो या मतलब अगर कोई IIT IIM या यहाँ ISB का है तो उसको जल्दी घर मिलेगा काइंड ऑफ, लेकिन वो भी वेरी करता है फ्रॉम ओनर टू ओनर। तो जैसे कि हमारा ओनर बहुत ही मतलब ही वॉज हाँ, तो वैसा कुछ हमें पूछा भी नहीं, हमने ढूंढा और हमें डायरेक्टली मिल गया। और आपने कहा कि अच्छी कंपनीज भी देखते हैं, लाइक तो क्या ऐसे जो या कि सबसे बेस्ट कंपनीज है, अगर उसमें काम करते हो तो ईजिली घर मिल जाएगा? हाँ काइंड ऑफ, लेकिन मतलब वो हमारे साथ नहीं हुआ, क्योंकि मेरा भी कंपनी काफ़ी सही है। हाँ। तो मेरा जो ओनर था वो कभी पूछा नहीं कि आप कहाँ पे काम करते हो, डायरेक्टली हमारा तो ये बात हुआ कि इतना हमारा रेंट है और बैचलर्स हो कि फैमिली हो, और एक चीज़ है कि फैमिली अगर आप यहाँ पे होगे ना तो वो बहुत ईजी होता है, फैमिली या फिर कपल अगर होंगे तो यहाँ पे घर मिलना बहुत ईजी है, बैचलर्स कपल्स को भी। हाँ अगर आप अनमैरिड हो तब जी, विच इज़ वेरी रेयर, क्योंकि आपको दिल्ली नोएडा जैसी जगह पर नहीं मिलेगा। हाँ यहाँ पे हम जब ढूंढ रहे थे ना तो वो स्पेसिफिकली हम 3 दोस्त जा रहे थे, पूछते थे वो फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि आप बैचलर्स हो या फैमिली हो, बैचलर्स तो रिजेक्ट नहीं मिलेगा घर। तो जब अभी जहाँ पे मैं रह रहा हूँ ना वो 8 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, तो ये सांझा दुख और सांझा चूल्हा है, बैचलर्स को वहाँ भी नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता, पूरे देश में ही बहुत बिल्कुल। तो ऑटो वाले भी क्या इस एरिया से ज़्यादा चार्ज करते हैं? नहीं, अगर रैपिडो वगैरह पे आपको मिल गया तो अच्छा है। हाँ। नहीं तो आपको चार्जेस तो ज़्यादा मतलब डबल डबल। हाँ अगर यहाँ से लेंगे मान लो ऑनलाइन ही बुक किया। हाँ, तो मेरा घर 8 किलोमीटर से 250-300 वो प्राइस रहता है, और रैपिडो में करता हूँ तो 110-120 नॉर्मल करने पे 250-300 चीज़ है डबल। अभी यहाँ से आपको अभी के टाइम थोड़ा ठीक ठाक मिलेगा, ट्रैफिक अभी बढ़ जाएगा 6 बजे, 5 से 6 बजे के अंदर आप अगर लोगे ना तो द प्राइसेस विल जस्ट इंक्रीज एंड इंक्रीज। सॉरी यार, मतलब मुझे सुन के बुरा लगा, थैंक यू सो मच आशीष हमसे वक्त देने के लिए। कुछ और लड़के यहाँ पर हैं, क्या नाम है आपका? कार्तिक। आपका? आशुतोष। कार्तिक आशुतोष, आप लोग कहाँ कहाँ से? आई एम फ्रॉम इंदौर। इंदौर? आई एम फ्रॉम ग्वालियर। ग्वालियर, इंदौर का पोहा इज द बेस्ट, यहाँ लोगों को पोहा बनाना नहीं आता, कहीं नहीं आता लोगों को। तो कार्तिक कितने टाइम से आप बैंगलोर में? लाइक आई गेस 6 to 8 months। 6-8 महीने हुए आपको? सेम गोज़ फॉर मी। आप लोग पहले क्या वर्क फ्रॉम होम में थे या? पहले वर्क फ्रॉम होम था, अब यहाँ आना पड़ा। हाँ। अच्छा, तो 6-8 महीने पहले जब आए घर ढूंढना कितना डिफिकल्ट था यहाँ पर? घर ढूंढना लाइक टू बी ऑनेस्ट मेरे को इतना टाइम नहीं लगा, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स रहते हैं BTM लेआउट में। हाँ। सो पहले मैं उनके साथ रहा, देन BTM से बैंगलोर का ट्रैफिक, यू नो राइट? सो आई डोंट नो, मैं बाहर से हूँ, आप बताइए बहुत होता है क्या? ओके, हाँ लाइक फॉर 8 किलोमीटर्स आई कैन से लाइक आई हैव टू स्पेंड अराउंड 1-1.5 आवर्स।
sometimes 2 hours. 8 kilometers के लिए 2 घंटा. Okay, so that's why like then I shifted nearby here. Okay, 500 meters from here, so walking. But then in Bangalore, yeah, okay. So like फिर food वहाँ पे अच्छा नहीं था, South Indian mostly. So then I shifted here, Stanza. Okay, so यहाँ पे food अच्छा है. Yeah, Stanza co-living है, rent ठीक है. Co-living मतलब आप थोड़ा सा explain करेंगे, मैं यहाँ की नहीं हूँ तो मेरे को ज़्यादा नहीं. Co-living मतलब mostly IT professional रहते हैं वहाँ पे, and then girls boys common, and बहुत सारी facilities amenities provide करते हैं, like pool है, TT tables है, then. तो उसका क्या रेंट ज़्यादा होता है as compared to? हाँ mostly high if you will compare with Indore, right? तो इंदौर में mostly 1 BHK 2 BHK आपको 7K में मिल जाएगा, 6K depends on area. बट यहाँ पे आई एम पेइंग अराउंड 15K समथिंग 1 BHK का. नो एक्चुअली सिंगल शेयरिंग रूम है. सिंगल सिंगल शेयरिंग डबल शेयरिंग रूम है. मतलब यू पे 15,000 और आपका रूममेट देता है 15,000, तो एक कमरे का 30,000 रुपये चार्ज है. और आप भी सेम जगह? हाँ मैं भी सेम इनके साथ हूँ, और मैं 4-5 months हुए हैं. अच्छा. हाँ तो मैं डायरेक्टली स्टैंजा आ गया था. हाँ तो आपको कैसे स्टैंजा के बारे में पता चला था ऑनलाइन? नहीं नहीं नहीं, देखिए मैं यहाँ पे आया था फ्लैट देखने के लिए, बट फ्लैट की जो आपका डिपॉजिट अमाउंट है आप देखिएगा 2 BHK 3 BHK अराउंड, 2 BHK का भी 1.5-2 लाख जाता है. और डिपॉजिट मतलब एडवांस सिक्योरिटी डिपॉजिट, सो वो थोड़ा इशू है. और वो तो मैंने सोचा कि पहले एक बार रह लेते हैं, एरिया देख लेते हैं, तो इसलिए मैं फिर मैंने स्टैंजा ले लिया था. वहाँ का एम्बियंस अच्छा है तो फिर मैं वहाँ पर चला गया था. ऑल दो वो जो बाकी पीजीज हैं उनसे तो मतलब बेटर है ही, ऑल दो एक्सपेंसिव उससे, बट या लेकिन 1.5-2 लाख रुपए कोई कैसे एडवांस? मतलब आप 2 लाख ही कह रही हैं, यहाँ पे 3-4 लाख जा रहा है अगर 3 BHK के लिए आती हैं आप. एडवांस देते हैं आप ऐसे? हाँ हाँ मतलब. और रेंट कितना होता है? सिक्योरिटी डिपॉजिट. और रेंट कितना होता है? रेंट अगर आप शाहजहाँपुर एरिया में देख लेंगे तो अराउंड 55+ ही पड़ेगा आपको 3 BHK. मैम आपका नाम क्या है? श्रेया. श्रेया आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से हूँ. दिल्ली से. आप कितने साल से यहाँ बैंगलोर में रह रही हैं? पिछले 6 साल से. आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा बैंगलोर का? जितनी स्टोरीज हम यहाँ पे हाउस हंट के सुनते हैं या वो सारी बिजार स्टोरीज, और इंटरनेट पर बहुत वायरल होता है. हाँ मतलब बहुत सारी चीज़ें जो इंटरनेट पर वायरल होती हैं वो सच नहीं होती हैं. फ्रैंकली मुझे तो बहुत पसंद है ये शहर, और बहुत ही फ्री है फ्रैंकली. और दिल्ली से आने के बाद मुझे कम डर लगता है यहाँ पर अकेले ट्रैवल करने में. रियल एस्टेट एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसके प्राइसेस बढ़ रहे हैं डेफिनेटली. तो अगर आपको अच्छा घर चाहिए तो उसके लिए आपको अच्छे पैसे खर्च करने पड़ते हैं. स्पेशली जहाँ पे मैं रहती हूँ HSR लेआउट के आसपास में, वहाँ पे एक 1 BHK फ्लैट भी 20-25,000 के आसपास से शुरू होता है, एंड इंडिपेंडेंट हाउस गोज अप टू 1 लाख पर मंथ. 1 लाख पर मंथ रेंट? यस. बट वही है, मतलब अलग अलग जगहों पे आपको अलग अपने हिसाब से चीज़ें मिल जाएंगी. इट्स नॉट सच अ प्रॉब्लम. हाउ डिफिकल्ट सिंगल लड़कियों के लिए या बैचलर लड़कियों के लिए घर खोजना यहाँ पर? या एक्चुअली आई थिंक इट इज़ मोर डिफिकल्ट फॉर बैचलर मेन टू फाइंड अ हाउस रादर देन बैचलर वुमेन टू फाइंड अ हाउस. वन थिंग दैट आई हैव सीन इज इट्स अ लिटिल द सिटी इज़ कंजर्वेटिव इन टर्म्स ऑफ व्हेन इट कम्स टू कास्ट एंड अदर थिंग्स. सो दे मे टेल यू नॉट टू कुक नॉन वेजिटेरियन फूड, also not to bring boys home and things like that. So you know, your male friends and other things become a bit of a problem. But other than that, I think it's a very chilled out place, and it's a more futuristic city than frankly Delhi could ever be. क्या यहाँ पर pay gap भी, मतलब जैसे जितना यही काम के लिए Delhi या बाकी किसी city में pay मिलेगा, यहाँ क्या ज़्यादा मिलता है? यहाँ पे definitely ज़्यादा मिलता है, which is also the reason कि real estate prices भी इतने बढ़े हुए हैं, क्योंकि लोग खर्च करने के लिए तैयार हैं. तो उस चक्कर में क्या होता है कि जो यंग जनरेशन है उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि उनके स्टैंड मतलब उनको इतना पैसा नहीं मिलता है, लेकिन उनको दे ऑल्सो हैव नीड टू हैव अ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग. सो थैंक यू सो मच श्रेया हमसे बात करने के लिए, ये सारे एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए. और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ना आप किसी भी सिटी, किसी भी शहर, किसी भी जगह के बारे में बहुत र्यूमर्स सुनते हो, आपको रियलिटी नहीं पता होती. जब आप जाते हो, लोगों से मिलते हो, बात करते हो, तो ये क्या एक सवाल मेरे मन में और है जो मैंने कई लड़कों से भी पूछा. ऐसा है क्या कि मकान मालिक चेक करते हैं आप IIT IIM या ISB? यहाँ पे लिंक्डइन प्रोफाइल मांगते हैं यूजुअली मकान मालिक, और विच इज़ वेरी फनी. तो अगर आपने लिंक्डइन प्रोफाइल नहीं बनाया हुआ तो नाउ दे डोंट इवन चेक योर सोशल मीडिया अकाउंट और अदर थिंग्स, बट दे वॉन्ट टू सी हाउ वेल एस्टैब्लिश्ड यू आर इन टर्म्स ऑफ योर करियर, एंड दैट्स लाइक दैट्स. उसके अलावा सोशल मीडिया पर मकान मालिक चेक करते हैं?
हाँ हाँ बिल्कुल, लिंक्डइन इज लिंक्डइन तो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पे नौकरी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है नौकरी शायद आपको वैसे मिल जाएगी बट आपको घर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्रेजी मतलब ये स्टोरीज तो बहुत बहुत वियर्ड है. लिंक्डइन जिन लोगों को नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके ज़रिए आप अपना जो इंटायर आपका प्रोफेशनल लाइफ है ना उसके बारे में अपडेट्स शेयर करते हो. शायद थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. थैंक यू. तो यूलू राइड के बाद हमें कुछ लोग मिल गए तो हमने सोचा इनसे भी बात कर ले क्योंकि ये भी टेक कंपनीज में ही काम करते हैं. और कहाँ से हैं आप? मैं राजस्थान से. राजस्थान में आप कहाँ से? मैं यूपी. यूपी आप? लखनऊ. दिल्ली. चंडीगढ़. तो सारे बाहर के लोग हैं. कैसे एक्सपीरियंस रहा? घर मिलना कितना डिफिकल्ट है यहाँ? मेरे को यहाँ पे आए हुए करीबन 7-8 महीने हो गए. मैं अभी तक ढूंढ रहा हूँ कि कोई मुझे एक अच्छा फ्लैट मिल जाए. क्या अगर मिलता है तो बजट में नहीं होता, बजट में होता है तो वहाँ बोलते हैं बैचलर्स अलाउ नहीं है. और सिक्योरिटी इशू तो हर जगह. सिक्योरिटी कितना मांग रहे हैं? मिनिमम 50,000. मिनिमम 1 BHK. 1 BHK. और 1 BHK का रेंट कितना है आसपास? अराउंड 30. इतनी सैलरी तो होती नहीं है कि 40-50,000 रेंट पे कर ले. फिर क्या ऑप्शंस है, मतलब बैंगलोर में क्या करे कोई इतना हाइक पे? और आपको क्या सोल्यूशन दिखता है, मतलब ये क्यों है, वजह क्या है इतना ज्यादा हाइक पे? सोल्यूशन तो नहीं है बट हम टेम्पररी जैसे पीजीज में रह रहे हैं वही एक ऑप्शन बचता है. और वेट करो कि आपको किस्मत चमके और आपको कोई अच्छा मिल जाए. किस्मत चमके. आप कहाँ रहती हैं? मैं भी अभी पीजी में ही रह रही हूँ. तो आपको भी क्या फ्लैट नहीं मिला? नहीं, मतलब फ्लैट मैंने अभी रिसेंटली मुझे मिला है आफ्टर 10 months. तो मुझे यहाँ पे 10 months हो गए हैं बट मैं सर्च करी थी, फाइनली आई गॉट अ फ्लैट. सो इशू यही है कि आप ऑनलाइन housing.com एक्सेट्रा साइट्स पे सर्च करते रहोगे बट व्हेन यू विजिट देयर इज़ नो वैकेंसी. और आपको उतना पसंद नहीं आता या स्पेशियस नहीं है, वेंटिलेशन की प्रॉब्लम. सो अच्छा, ये इस बात में कितनी सच्चाई है कि जो फ्लैट्स के मकान मालिक होते हैं या घरों के, वो आपसे पूछते हैं कि कहाँ से पढ़ाई करके आए हो, कितना तुम्हारा CTC है, CV दिखाओ, LinkedIn प्रोफाइल दिखाओ, ऐसा है? हुआ आप में से किसी के साथ? हुआ? क्या क्या मांगा था उन्होंने? वो CV मांगा था, ये पूछा जॉब कहाँ पे करते हो, और मतलब कि वही कि स्मोकिंग वगैरह नहीं करते, पार्टी वगैरह नहीं करोगे, ड्रिंकिंग नहीं करोगे, ये सब पूछते हैं. तो आपने सब बताया, फिर दे दिया उन्होंने आपको? हाँ दे दिया. हाँ मेरा अभी ग्रीन ग्लेन लेआउट में है. तो अच्छा. मेरे को तो मैं थोड़ा लकी रहा कि मेरा एक फ्रेंड लीव कर रहा था और मैं उसकी जगह पे आ गया. उसकी जगह पे. अच्छा, बैंगलोर की और क्या प्रॉब्लम्स है? मतलब एक तो ये, चलो जो हमें ट्विटर वगैरह से पता चली, और क्या प्रॉब्लम्स आप लोग यहाँ आकर फेस करते हैं? ट्रांसपोर्ट, कैब नहीं मिलती. 4 जन कैब लगाते हैं उसमें से एक की कैब होती है. अच्छा, आधी बार ऑटो नहीं मिलती. बेसिकली कहने का मतलब है क्राउड एंड ट्रैफिक. क्राउड नहीं है तो कैब्स नहीं मिलती, और कैब जितनी सारी तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है. मतलब दोनों ही प्रॉब्लम है, एक ये है एक वो है. क्या डिफरेंस लगता है, जैसे आपने बताया आप राजस्थान से, आपने बताया आप लखनऊ से, क्या डिफरेंस? वहाँ भी तो इतनी ज़्यादा तादाद है, वो भी एक बड़ा शहर है, लेकिन वहाँ और यहाँ के ट्रैफिक में बहुत डिफरेंस है, क्या रीज़न लगता है आपको? ट्रैफिक तो पॉपुलेशन का नहीं, बट मुझे लगता है कि मे बी यहाँ पे कैब ड्राइवर्स वगैरह एंड फालतू के जाम लगे रहते हैं यहाँ पे. मे बी दैट इज. और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का क्या है? जैसे लखनऊ में बहुत बसेस चलती हैं. आपको कहीं से भी रैंडमली बसेस या टुक टुक मिल जाएगा. यहाँ क्या शेयर्ड ऑटो का कोई सिस्टम नहीं है? हाँ, शेयर्ड ऑटो का सिस्टम नहीं है. बसेस की कनेक्टिविटी तो यहाँ पे बहुत अच्छी है, बट यहाँ पे मुझे लगता है जो लोकल ऑटो ड्राइवर्स यूजुअली वो एक्सेप्ट ही नहीं करते आपके रिक्वेस्ट, आप कितने भी ऐप्स पे लगा लो, स्पेशली ऑन वीकेंड्स. तो आप डायरेक्टली उनसे बात करोगे तो बहुत ज़्यादा फेयर वो बताते हैं, एंड ओला उबर में बहुत डिफरेंस रहता है. तो वो चीज़ें वो एक्सेप्ट नहीं करते, फिर अल्टीमेटली यू हैव टू गो फॉर अ कैब, एंड वो फिर जाम ही होती है. अभी अगर हम कैब जैसे लोकल ऑटोज है, अगर हम ऑनलाइन बुक करें और डायरेक्ट इनसे कॉन्टैक्ट करें, फेयर प्राइस में एटलीस्ट डबल का डिफरेंस होता है. अगर 50 दिखा रहा है ऑनलाइन तो वहाँ दिखाएगा, वो बोलेंगे 150, क्योंकि उन्हें पता चल गया है कि हमें कैब ऑटो मिल ही नहीं रहा है उसके थ्रू. तो मेरे पीछे आपको एक और टेक पार्क दिख रहा होगा, आपको एम्बेसी लिखा हुआ दिख रहा है. ये कोई वैसे सरकार की एम्बेसी नहीं है, एम्बेसी इस टेक पार्क का नाम है जिसके अंदर बहुत सारे ऑफिसेस है. पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको फ्लिपकार्ट का ऑफिस दिख रहा होगा, जिस फ्लिपकार्ट से ऑफर में घर पर ऑनलाइन सामान मंगाते हैं, उस फ्लिपकार्ट का ऑफिस जो है मेन ऑफिस वो यहाँ है. यहाँ से शुरुआत हुई थी फ्लिपकार्ट की. और अगर आप
कैमरा पैन करके दिखा पाए जीत, तो वो दिखाइए लाइन से, वो जो नीले रंग की आपको साइकिलें दिख रही है ना, वो यूलू राइड्स है। यहाँ पर लोग इस टेक पार्क से जैसे निकले कम्यूट करने के लिए, वो एक साधन है यूलू राइड। इलेक्ट्रिक बाइक जो होती है वो है, लोग उसका ऐप डाउनलोड करते हैं, स्कैन करते हैं और फिर ये लेके जहाँ तक भी जाना है या जो नेक्स्ट यूलू पॉइंट है वहाँ तक ले जाते हैं। तो ये थोड़ा सा लोकल बैंगलोर थिंग है। और जो स्विगी अब घर घर तक पहुँच चुका है, हर छोटे बड़े शहर तक पहुँच चुका है, वो स्विगी का ऑफिस भी इसी के अंदर है। अब हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं है, अदरवाइज हम आपको जाकर दिखाते। तो वो स्विगी की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। तो आप देखिए टेक पार्क की बिल्डिंग बाहर से ही जितना आप देख पा रहे हैं, आपको बहुत सारे फ्लोर्स दिख रहे होंगे, लाइट्स जली हुई दिख रही होंगी। आप समझिए कि हर फ्लोर, जैसे खिड़कियाँ हैं ना, हर खिड़की एक अलग ऑफिस की है। मतलब अंदर स्विगी का भी ऑफिस है, अंदर कोई टेक कंपनी का भी ऑफिस है, अंदर किसी सॉफ्टवेयर कंपनी का भी ऑफिस हो सकता है। मतलब मल्टीपल ऑफिस, जैसे शॉपिंग मॉल में अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, ये वैसा सिस्टम है। और टिपिकल बैंगलोर थिंग जो बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम पर जिसको शेयर किया जाता है वो भी आपको दिखेगा वहाँ पे, ऐसे लैवेंडर कलर के और पिंक कलर के फ्लावर्स, चेरी ब्लॉसम, और वो क्योंकि अब स्प्रिंग जा रहा है और गर्मी ऑफिशियली यहाँ पर आ चुकी है, इसीलिए बहुत कम ये फ्लावर्स दिख रहे हैं। तो हमने दिखाने की कोशिश की, मकान मालिकों से त्रस्त कुछ लड़कों से बात करने की कोशिश की, क्योंकि हम आए दिन सोशल मीडिया पर ऐसी स्टोरीज सुनते रहते हैं जिसमें लोग बताते हैं कि इट्स वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट होम यहाँ पर, और बहुत ज़्यादा चार्ज लगता है, बहुत सारे अननेसेसरी सवाल पूछे जाते हैं। इतनी बिजार स्टोरीज हम सुनते हैं कि नौकरी तो मिल गई लेकिन घर का इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ। तो क्या रियलिटी है, क्या वजह है, ये जानने समझने के लिए हम यहाँ पर आए। और जो वजहें हमें लगी इतने हाई रेट्स की, वो वजहें ये थी कि इस एरिया में सारे टेक पार्क्स हैं, एक एक टेक पार्क में 5,000-5,000, 6,000-6,000, 7,000-7,000 लोग काम कर रहे हैं। तो जब इसी एरिया में काम कर रहे हैं ना, तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि इतने सारे लोगों के लिए इतने ही एरिया में मिल जाए घर। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स खुला है, तो आप अपनी राय ज़रूर शेयर करिएगा, अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करिएगा। इस बातचीत को कैमरे के पीछे से रिकॉर्ड किया मेरे साथी करम ने, मेरा नाम सोनल है, देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।